हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड यहाँ पर देख रहे हो कि आज झारखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एंड हाँ, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम इस साल अपेयर करने वाले हो तो एक बार इसे पूरा वीडियो जरूर देखना, आपका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो नोटिस अपडेट एंड ये सारे यहाँ पर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 5 या 6 मिनट में पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। एंड हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बॉयज़ फिल अप करने बॉयज़ फिल कर सकते हैं क्या ये बीएससी नर्सिंग का फॉर्म। तो झारखंड में क्या कहते हैं झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू जो नोटिस आया है उसमें ओनली गर्ल्स ही फिल अप कर सकती है, ठीक है। तो गर्ल्स पूरा वीडियो देख लेना। एंड हाँ, इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जो भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती हो, ठीक है। तो पहले यहाँ नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोटिस अभी जो लेटेस्ट अभी तक तो जेसीसी की वेबसाइट में अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं आया है, ठीक है। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो होता है वो नीट के 2 या 3 मंथ बाद होता है, ठीक है। तो नीट कम्प्लीट हो चुका है कल, और अभी 2 या 3 मंथ में नोटिस आ जाएगा। एंड विद 2 या 3 मंथ में एग्ज़ाम भी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मंथ में नोटिस आना कन्फर्म है फॉर्म फिलअप करने का। तो ये था अपडेट लेटेस्ट। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में वहाँ पर 2 ग्रुप आपको मिलेगा, 2 लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें एक है पब्लिक ग्रुप जहाँ पर आप चैट भी कर सकते हो, एंड एक है चैनल जहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। तो बी श्योर दैट आप ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो कोई भी मतलब जो होता है ये कोई भी चीज़ अगर आप मतलब क्रैक करना चाहते हो एग्ज़ाम, तो आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रैटेजी यू आर मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी का। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन, फिजिक्स का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर एक सही होने पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, एंड एक गलत होने पर 0.25 मार्क्स मतलब काट ले जाते हैं। तो ये है एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। तो मैंने यहाँ बता दिया फिजिक्स का SC वर्मा Volume 1 एंड Volume 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। एंड हाँ, यूट्यूब पर भी सॉल्व किए जाएंगे, तो बी श्योर दैट यहाँ पर भी वीडियोस आएंगे। एंड यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो बायोलॉजी बुक्स आपको फेवरेट सबका होता है। तो 11 एंड 12 का लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेते हो एंड MCQ कर लेते हो सारे चैप्टर्स का, देन आपका 45 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन अराउंड बायोलॉजी से ही होते हैं। एंड मैं प्रीवियस में दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पर देख सकते हो केमिस्ट्री NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो केमिस्ट्री का तो सिंपल है, NCERT का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री का अगर बुक रीडिंग करने लगोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका MCQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा चैप्टर बाय चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। अब तो हाँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। तो देख सकते हो जनरल में गया था कट ऑफ 83 हाईएस्ट मार्क गया था, ठीक है। तो इसे कट ऑफ नहीं कहते, लोवेस्ट मार्क को कट ऑफ कहते हैं। तो ये जनरल में 83 मार्क्स हाईएस्ट गया था। फिर देख सकते हो BC2 में 83, जनरल में 81 इस तरीके से गया, देख सकते हो यहाँ पर कट ऑफ आप देख रहे हो 67, 67, 66, 60, 59.75, 59, 58.25, 57, 56। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो 60 तक जाते हैं, ठीक है हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो लोवेस्ट मार्क BC1 का है ये जो 48 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर आप कट ऑफ हाई लाते हो तो ही मतलब जो मार्क्स है हाई लाते हो, 48 मार्क्स लाए हो ना, तो बिकॉज ऑफ द लो सीट्स आपको मार्क्स क्या कहते हैं ये जो एडमिशन है वो नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पर गाइस आपको कट ऑफ के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो ये कट ऑफ एवरेज है, डोंट बी श्योर दैट ये कंफर्म है, ठीक है। तो एक बार इसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बात रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। सो सी यू।